जननायक जनता पार्टी की ओर से करनाल के लघु सचिवालय पहुंचकर मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरोध में रोष प्रदर्शन किया गया, जिसमें जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह कंबोज ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। यह प्रदर्शन जाट धर्मशाला सेक्टर 12 से प्रारंभ होकर लघु सचिवालय पहुंचा, जहां पर महामहिम राज्यपाल के नाम SDM नरेंद्र पाल मलिक को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह कंबोज ने कहा कि मौजूदा सरकार के राज में कानून व्यवस्था का दिवाला पिट चुका है। हर रोज डकैती, लूटपाट, आगजनी जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने करनाल में हुए घोटाले व करनाल में सुपरसीड डॉक्टर राजीव गुप्ता की हत्या के बारे में बोलते हुए कहा कि CM सिटी में भी बड़े बड़े घोटाले और मर्डर हो जाते हैं तो अन्य प्रदेश का क्या हाल होगा। इस मौके पर उन्होंने मौजूदा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लघु सचिवालय के प्रांगण में इकट्ठे होकर मौजूदा सरकार की जनविरोधी नीतियों के बारे में पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे। इस मौके पर पूर्व विधायक एवं जिला अध्यक्ष नरेंद्र सागवान, जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ब्रिज शर्मा, मेम सिंह राज्यपुर जिला अध्यक्ष, युवा नेता अमनदीप सिंह चावला, रामदयाल प्रेम शाहपुर मीडिया प्रभारी यशकरण राणा सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसके नाम ज्ञापन दिया? बहुत सारी ऐसी जन समस्याएं हैं पूरे हरियाणा भर में, जैसे कानून व्यवस्था है जो लचर हो चुकी है, पूरे 5 वर्षों तक लोगों की ये पीड़ा रही है। उसी के साथ महिलाओं के खिलाफ अपराध हैं, व्यापारी के खिलाफ किडनैपिंग, थ्रेटनिंग, मर्डर, ऐसी घिनौनी हरकतें हुई हैं। किसान परेशान है, गरीब आदमी महंगाई से परेशान है। चुनाव के दौरान सीमेंट का बैग 60 से 70 रुपये बढ़ गया, उसके बाद 20 से 30 रुपये दालें प्रति किलो के हिसाब से बढ़ी है, और उसके बाद अब इन लोगों ने 2.5 रुपये पेट्रोल और 2.30 रुपये डीजल बढ़ाने का काम किया, 1 रुपया प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी और 1 रुपया सेस लगा करके। जबकि गडकरी जी को मैंने उसी रात जिस दिन बजट पेश हुआ बोलते हुए सुना था कि इस पे ऑयल प्राइसेस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसी रात 12 बजे से जो रेट बढ़ते हैं वो 2.5 रुपये के हिसाब से बढ़ गए। आज पूरी तरह से तराई तराई मची है। जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि हमारा जो नौजवान है पढ़ा लिखा वो परेशान है। सरकार कहती है कि पर्ची से नौकरी नहीं लगी, हमने योग्यता के आधार पे लगाई है। हम कहते हैं कि पूरी करप्शन हुई है, ग्रुप डी की नौकरी को छोड़ करके सभी नौकरियां स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भारत भूषण भारती के खिलाफ जो ऑडियो जो जारी हुआ था उसमें माना गया कि वो पैसे लेते हुए पाए गए, उनको सरकार ने हटाने का काम किया। फिर से जब पैसे आ गए तो उनको फिर से दोबारा उसी पद पे बिठाने का काम किया। और दोस्तों, पूरी नौकरियां पैसे से लगी है, दलाल घर घर घूमते हैं कि पैसे दो और नौकरी दो। ग्रुप डी की नौकरी लगा करके भी इन्होंने हमारे उस देश का जो विषय पढ़े लिखे बच्चे हैं, हाईली एजुकेटेड जो बच्चे हैं, किसी को PN लगाया, किसी को माड़ी लगाया, किसी को वाटर कैरियर लगाया। हम तो ये कहेंगे सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे कि कितने ग्रुप डी की नौकरी लेने के बाद बच्चे चले गए, छोड़ करके रिजाइन कर गए, ताकि ये चिट्ठा ये भी सामने लोगों की आ सके। और करप्शन जो खासकर सरकारी करप्शन है, हर विधायक ने अपने अपने क्षेत्र में 10-10, 15-15 इंटरलॉकिंग की फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, महंगे रेट पर बेची जाती हैं। कोई और कोई बिजनेसमैन ने फैक्ट्री लगाई है, उसको बंद करवा दिया गया, और ये आदेश है कि JE और SDO सिर्फ उनकी ईंट लेंगे। और आज एक बहुत बड़ा मुद्दा, 5,000 करोड़ रुपए का स्कैंडल, मुझे खास करके लोगों ने भी बताया, मैं दादरी गया था इसी प्रदर्शन को लेकर के, प्रेस के साथियों ने भी बताया कि 5,000 करोड़ का एक स्कैंडल है दादरी में। वहाँ से लगभग रोजाना 8 से 10 हज़ार ट्रक निकल, क्रेशर जोन है। और वो अभी हमारे साथ JGP के मीडिया प्रभारी यशकरण राणा जी, क्या कहना चाहेंगे सर आज के एजुकेशन के? आज हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह कंबोज, जिला के प्रधान, प्रदेश के महासचिव प्रेम शाहपुर जी, राष्ट्रीय महासचिव भाई बरीश शर्मा जी के माध्यम से हमने जो ज्ञापन DC साहब को आज दिया है, इस सरकार की कुठाराघाती नीतियों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ जो ये सरकार कर रही है, किसानों के खिलाफ कर रही है, कर्मचारियों के खिलाफ कर रही है, आए दिन सिटी में क्राइम ही क्राइम है, आए दिन मर्डर होते हैं, आए दिन सभी तरफ चोर लुटेरे लोगों का बोलबाला है, हर रोज रात को ATM पाट कर लोग ले जाते हैं, कोई प्रकार की किसानों को समस्या की कोई सुनवाई नहीं है, मजदूर कोई बेहाल चल रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, दूसरे लोग तराई तराई कर रहे हैं। हमने आज इन सभी नीतियों के खिलाफ, सभी भावनाओं जो जनता की भावना है उनको सुचारू रूप से सरकार को पहुँचाने के लिए
मैम राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। सरदार निशान सिंह कंबोज जो हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हमारे जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे, हमने डीसी को ज्ञापन दिया है और आने वाले समय में भी हम हर उस नीतियों को जो सरकार के विरोधी नीतियाँ हैं, सरकार की जन विरोधी नीतियाँ हैं, उनको सरकार के पास पहुँचाने का कार्य करेंगे। सभी साथी हमारे साथ आए हैं, सभी साथियों ने संघर्ष किया है, सभी साथियों का यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जेजेपी की तरफ से एजिटेशन किया गया जो कि डीसी को ज्ञापन सौंपने के लिए आया था, क्योंकि बीजेपी सरकार की कानून व्यवस्था को लचर बताया गया है और युवाओं को भी बेरोजगार बताया गया है, इस वजह से जेजेपी सरकार यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए सौंपी थी। करीब सैकड़ों आदमी जेजेपी से आए थे और उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अगर इसी तरह से लचर कानून व्यवस्था करती रही या जो भी बेरोजगारी है वो बढ़ती गई या महंगाई है जो भी बढ़ती गई तो दोबारा से एजिटेशन किया जाएगा और इस रोष का कारण कोई भी हो सकता है और वो अपना रोष किसी भी तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी के साथ मनीषा मन्ना, समाचार एक्सप्रेस न्यूज़, करनाल।